इस तरह से सारी बातें सामने आ रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये सरासर गलत है, इस तरह का कुछ भी आरोप नहीं है। मैं इस विद्यालय में 2001 से पढ़ा रही हूँ, ये 2008 से आए हैं और तब से ये केवल कुछ लोगों का सुनियोजित षड्यंत्र है और जिसको प्रायोजित किया गया है और इस तरह की कुप्रचना की गई है और जिसके अंतर्गत इनको फंसाया जा रहा है। केवल राजनीति है और मैं इससे आगे और कुछ नहीं। जैसे कि छात्रा ने बताया इसी को इल्जाम लगाया जा रहा है और छात्रा सुनने में यह आया है कि थमेला थाने भी गई हुई है, ठीक है, किसका सपोर्ट हो सकता है? क्योंकि छात्रा की कोई ऐसे तो इल्जाम लगाएगी नहीं अपने को बदनाम करने के लिए। वो किसी ना उसके पीछे किसी अपने ही विद्यालय के शिक्षक का हाथ है, इसको मैं पूरी तरह से मानती हूँ। ये पहले भी इस तरह के षड्यंत्र और भी शिक्षकों के विरोध में किया गया है कि मीडिया लेकर आना, थाना पुलिस लेकर आना और तिल का ताड़ बना देना। एक टीचर ने एक बार एक मार दिया था एक लड़के को सिर में, डंडा लेके चलते थे, वो पढ़ नहीं रहा था, ज़रा सा उसके खून निकल आया तो पूरे दिन भर चला कि हत्यारा टीचर, हत्यारा टीचर। तो यही टीचर्स ने उकसाया था उस बच्चे को कि नहीं नहीं जाओ, तुरंत मीडिया खुद ही बुलाया और यही सब करते हैं। लेकिन मैम जिस तरह से हमारी कुछ अध्यापकों से बात हुई है लेकिन उन्होंने इस चीज़ को सही ठहराया है, एक वर्ग है जो उन्हीं का सपोर्टर है वो सही ठहराएगा। मैम उसमें मतलब किस तरह के साजिश रची जा रही है उनको हटाने की? हटाने की कि वो अब एक साल रह गया है, पांच लोग तो लड़ रहे हैं कि हम प्रिंसिपल बन जाएं, कि हम प्रिंसिपल बन जाएं, किस तरह ये हट जाएं कि हम प्रिंसिपल। और भी कई तरह के षड्यंत्र रचे गए जो उस पर सफल नहीं हुए, तो अब इस तरह से किया गया है। इस पूरे पॉलिटिकल को ये समझा जाए कि प्रिंसिपल बनने की वजह से ही सारा चल रहा है। बिल्कुल, कौन और खुद मुकदमे चल रहे हैं उसके लिए, दो ग्रुप, पाँच लोग, तीन लोग एक तरफ, दो लोग एक तरफ, इनके नीचे वाले पाँच लोग लड़ रहे हैं मुकदमा कि हम सीनियर, कि हम सीनियर। और सीनियर रह के क्या करेगा कोई, जब तक ये कोई हटेगा नहीं अपनी सीट से कोई आरोप लगा के, तब तक कोई प्रिंसिपल बन नहीं सकता।